तो भाई मेरा ऑर्डर का पिज्जा हट से आ चुका हूँ। पिज्जा हट पे ऑर्डर पता नहीं रेडी है कि नहीं, रेडी है कि नहीं, रेडी क्या ऑर्डर आप ऑनलाइन करोगे ना, इसी पे कर दो, उसी पे ऑनलाइन आप कर दीजिए, स्विगी पे ही। हाँ जी कर दीजिए। प्यार से जो भी दे दिया तेरे वास्ते है नीलम जैसा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कल मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था कल, क्योंकि मतलब हम कुछ व्लॉग बनाया नहीं था, गया नहीं था ऑफिस, तबीयत खराब था मेरा, घर पे ही था बस बैठा था। तो अभी आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मतलब अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी उठाऊँ, सो करके उठाऊँ, ब्रश वगैरह कर लिया हूँ, जा रहा हूँ नाश्ता करने, तो व्लॉग स्टार्ट किया हूँ। क्या बन रहा जी? ओह पकौड़े बन रहे हैं हमारे वहाँ, डेली नहीं बनते हैं, मतलब हफ्ते में एक दिन बन जाते हैं, हफ्ते में एक दिन तो बन जाता है। पकौड़े बन रहे हैं, किस चीज़ के पकौड़े हैं? दाल वाले पकौड़े हैं, बना रहे हैं, ये सिस्टम बना रही है। मामा भी आ गए हैं हमारे, मामा पकौड़े खाने के लिए सुबह सुबह। तो खा रहे पकौड़े, अब इसके बाद से होंगे तैयार, निकलेंगे ऑफिस, तब मिलते हैं आप लोगों से। तो जी ये रहे पकौड़े, ये रहे पकौड़े खाने वाले, और ये भी लो जी खा लो पकौड़ी, लो एक नंबर पकौड़े। अब बनाने वाले कहाँ तीखा थोड़ी ना, हल्का ये गुड्डू तीखा अच्छा लगता है ना, नहीं चलता तुमको? झूठ बोल रही हो, तीखा खूब खाती है ना? नाश्ता वगैरह करके फिर निकलता हूँ ऑफिस से, ठीक है? संजी अभी हो चुका हूँ मैं तैयार, अभी बाइक बाहर निकल रहा था तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, बैग वैग भी रेडी हो चुका है और हेलमेट लेना है जो कि ले लिया मैंने। बाइक का चाबी जी, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो अभी सब कुछ ले लिया है मैंने और निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, बाइक खड़ा कर रहा हूँ। और भाई आज 2-3 दिन के बाद ऑफिस आ रहा हूँ, एक दिन आया था बस हाफ टाइम में था फिर चला गया था। भाई भी आकर के इंतजार ही कर रहा है, फिर कितने दिन बाद आ रहा है? 3 दिन बाद भाई भी आ रहा है, होली मनाने के लिए गाँव चला गया था, मतलब अपने घर पर, यहाँ पे रेंट पर रहता है, पढ़ता भी है, जॉब भी करता है। तो बस आ चुका हूँ मैं, अभी निकलूंगा डायरेक्ट, शाम को मिलता हूँ आप लोगों से, स्विगी निकलूंगा तब, तो अगले ब्लॉग में बने रहे आप लोग। अगर लंच में बाहर निकलूंगा तो लंच में भी कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनेंगे, और नहीं निकला तो भी डायरेक्ट शाम को मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? अभी हो चुका है शाम और मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से अभी स्विगी के लिए। तो अभी देवरिया बाईपास आया, रोड पर आकर के मैं मतलब खड़ा हूँ, पेट्रोल डलवा रहा था HP पेट्रोल पम्प पर, तो पेट्रोल डलवा लिया हूँ और यहीं पर हम दोनों लोग खड़े हैं, आकाश भी है, मैं भी हूँ, यहीं पर ही खड़ा मतलब है। देखो इसका ऑर्डर भी बच गया, मेरा अभी नहीं बजा है भाई, तो दोनों लोग यहीं पे खड़े थे, इसका बच गया मेरा नहीं मिला, मतलब इसको ऑर्डर मिल गया मुझे नहीं मिला अभी, तो मैं इंतज़ार करूंगा जब तक ऑर्डर नहीं मिल जाता है, और ऑर्डर मिलते ही फिर निकलूंगा, ठीक है? तो बन रही ब्लॉग में देखते हैं कहाँ का ऑर्डर मिलता है, पहले लेकर के चलते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस मुझे ऑर्डर मिल गया है, और ऑर्डर मुझे मिला यहाँ से, देख सकते हो आप लोग क्या जगह है ये कमेंट करके बताओ जो जानते हैं, छोड़ रहे हैं तो क्या ही कमेंट करोगे, मैं बता देता हूँ। सिटी मॉल से ऑर्डर मिला है मुझे और आ गया हूँ ऑर्डर को लेने के लिए, तो अभी चलते हैं अंदर और चेकिंग करवाते हैं। अंकल जी चेकिंग कर लीजिए, बैग भी चेक कर लीजिए, बैग भी चेक हो गया, मेरा भी चेकिंग हो गया, गोला बारूद लेकर के मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा चल। ये देखो भाई, मैं जब भी आता हूँ ना यहाँ पे, मतलब कोई सा भी फंक्शन रहा चाहे कुछ भी रहा, ये बहुत ही प्यारा सजा रहता है, ये देखो बहुत ही प्यारा, ये ऊपर देखो, अच्छा लगता है। तो भाई मेरा ऑर्डर का पिज्जा हट से आ चुका हूँ, पिज्जा हट पे ऑर्डर पता नहीं रेडी है कि नहीं, रेडी है कि नहीं, रेडी नहीं है अभी मेरा ऑर्डर, देखते हैं। भैया ऑर्डर था? हाँ भैया ये रेडी है भैया, एंट्री करना पड़ेगा।
एंट्री करना पड़ता है भाई। ओके थैंक यू। तो ऑर्डर मैंने पिक कर लिया और लेकर के मैं चल रहा हूँ कस्टमर के लोकेशन पे। कस्टमर का लोकेशन नौका विहार साइड में है, नौका विहार साइड से मतलब नौका विहार के रास्ते से मैं जाऊँगा। देखते हैं चलते हैं अभी नीचे चल रहे भाई। इस पे से उतरने में मुझे बड़ा टाइम लगता है, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी उतर जाता हूँ। कौन आएगा उतरने से? अच्छा कि उतर ही जाओ, इतना स्लोली स्लोली निकालता है भाई, कोई मज़ा नहीं आता। तो कोई ना, अभी लेकर के चलते हैं कस्टमर के लोकेशन पे। तो मिलते हैं आप लोग, तब तक ब्लॉग में बने रहे आप लोग। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. मैं कश्मीर के लोकेशन पे आया हूँ। मैं इधर पाम पैराडाइज भाई देख लो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। पाम पैराडाइज पे आया हूँ और D502 में जाना है मुझे ऑर्डर देने के लिए। तो चल रहे हैं अपन। बच्चे बच्चे ये देखो भाई क्या लिफ्ट है, एक नंबर लिफ्ट। यहाँ का इंटीरियर इन लिफ्ट का भी इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। ये देखो और जाना है मुझे फिफ्थ में। सारा कुछ स्क्रीन टच है भाई, ये देखो ये भी स्क्रीन टच ही है। और ये तुम लोग कब आई ऊपर से लेके नीचे तक, कहीं से डिलीवरी बॉय लग रहा हो बट कोई बात नहीं, डिलीवरी करने ही चल रहे हम लोग। 502 ये है, 502 तो डिलीवर करके मिलता हूँ। ओके थैंक यू मैडम। ओ भाई अभी ऑर्डर हो चुका है डिलीवर, और मतलब डिलीवर हुआ नहीं है, मतलब डिलीवर मैंने कर दिया अभी मोबाइल से, मैंने डिलीवर नहीं किया। तो डिलीवर करके फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ, तब तक लिए ब्लॉग में बने रहें मेरे साथ। सैमल जी मिल चुका है मुझे एक नया ऑर्डर, और ये ऑर्डर मुझे मिला है होटल पार्क रेसिडेंसी से। मैं बिंदास पे खड़ा था बट वहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला, तो उधर आते मतलब शहर की तरफ बढ़ रहा था, तो बीच में ही मुझे ऑर्डर मिल गया है ये वाला। तो ऑर्डर लेने के लिए आ गया हूँ। देखो मैंने रीच लोकेशन तो कर दिया बट अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, तो मैं बाहर खड़ा होकर के इंतजार कर रहा हूँ ऑर्डर रेडी होने का। चलिए चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं ऑर्डर रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, बट अंदर जाकर के पूछ लेता हूँ ऑर्डर रेडी है कि नहीं है। तो देखो इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। अंकल मटन बिरयानी एक ऑर्डर था, अभी रेडी नहीं हुआ। आ रहा है तो भाई ऑर्डर आ रहा है, तो उसको अपन लेकर के निकलते हैं अभी कस्टमर की लोकेशन पे। ओके चालीस से पत्थर है, हाँ छप्पन चौरानवे। ऑर्डर कर लिया हूँ, पिकअप लेकर के चल रहा हूँ कस्टमर। हो गया पिक, हांडी बट हांडी मट, ओ मटन बिरयानी, हाँ हाँ पिकअप कर लिया, देख लीजिए। तो भाई इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना मुझे ये ऑर्डर पिक करने में, कम से कम 10-15 मिनट पर अंदर बैठा था। तो ये ऑर्डर पिक कर लिया हूँ फाइनली, अभी लेकर के चल रहा हूँ कस्टमर के लोकेशन पे। तो मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए ब्लॉग बने रहे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे, अपने ब्लॉग बने रहा। संजीव भाई अभी आ गया हूँ मैं लोकेशन पे कस्टमर के, और उनको कर रहा हूँ कॉल। ये आपका ऑर्डर। ओके थैंक यू मैडम। हाँ जी भाई हो चुका है ये भी ऑर्डर डिलीवर, दूसरा ऑर्डर था ये भाई। 2 घंटे में तो 2 ऑर्डर मिला है मुझे, कोई ना इसको भी मैंने कर दिया डिलीवर। अभी निकलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब ढूंढते हैं क्या मतलब, ऐसे चलते रहेंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं रुकेंगे अपन तीसरा ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये दूसरा ऑर्डर ही था। 8:21 हो चुका है, तो मिलते हैं अभी आप लोगों से। सो जी गाइस मिल चुका है मुझे एक और नया ऑर्डर, जो कि मिला है मुझे फूडीज रेस्टोरेंट से, जो अफरन से आई थिंक 1.5 किलोमीटर आगे आने पे मेडिकल वाले रोड पे, तो उधर पड़ता है। तो देख सकते हो आप मैं आ चुका हूँ, अभी ऑर्डर रेडी नहीं है, तो चलते हैं अंदर देखते हैं ऑर्डर रेडी
है कि नहीं है, बट इसमें मुझे तो नहीं दिखा रहा है क्रेडिट। तो आइए चलते हैं अंदर, देख लो यही है फूडीज। ऑर्डर था भाई, अभी ऑर्डर हो रहा है, रेडी नहीं है। ये भैया का इंटीरियर दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। ये क्या भाई, ये रेस्टोरेंट जो है ना, मतलब फूडीज बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है सबके लिए, मतलब इस तरीके से कपल्स के लोग के लिए भी है और जो मतलब फैमिलीज के लिए भी अच्छी है। पार्टी हॉल वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी है। मतलब जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था उससे पहले मैं एक बार आया था, सारी चीज़ें मतलब रेट वेट भी इसका अच्छा है, मतलब बेटर है। और ये मतलब ये असुरन से 1.5 किलोमीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है फूडीज, क्योंकि कैसिया से मतलब कैसिया रेस्टोरेंट है जो उससे 200-300 मीटर आगे है ये। और मैं ये ऑर्डर ले चुका हूँ, इसके बाद से निकल रहा हूँ कस्टमर के लोकेशन पे। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, बने रहे आप लोग, बाय। हाँ जी, अब बाहर आ जाओ, मैं लोकेशन पे आ गया, मैं उधर ही खड़ा था। ये मैडम आपका ऑर्डर, ये थोड़ा सा देखिएगा इधर तेल लीक हो गया, मतलब खुला नहीं है वो, थोड़ा सा बस तेल ऑनलाइन वहाँ कर दीजिए आप। उधर ही मैं खड़ा होकर के फ़ोन कर रहा था आपको, एक सेकेंड मैडम, आप ऑनलाइन करोगे ना, इसी पे कर दो, उसी पे ऑनलाइन आप कर दीजिए, स्विगी पे ही। हाँ जी कर दीजिए, क्या इसी मतलब इसका, हाँ ये ले लीजिए आप इसके अंदर। हाँ डाइट कर दीजिए आप, डाइट करने पे थोड़ा सा लेट शो होता है ना, इसी वजह से मैं इस पे कह रहा था, आप इसके अंदर पे ही कर देंगे सही रहेगा। तो हाँ जी भाई, ये भी हो चुका है ऑर्डर डिलीवर्ड, और इस पे 104 रुपये, मतलब 104 रुपीज़ पे, मतलब वो था क्या बोलते हैं कैश था, तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट ही करवा दिया डायरेक्टली, फिर मुझे जमा करना पड़ता। तो ऑनलाइन पेमेंट हो चुका और ये भी ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के साथ, तब तक ले ब्लॉग बने रहे आप लोग, स्वयं लोग। गाइस वीडियो कैसी लग रही है आप लोग को बताओ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और भाई मैं अभी हूँ इधर मेडिकल वाले रोड पर हूँ, 10:30 बज गए हैं और मैंने लास्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया। तो इस ऑर्डर को डिलीवर तो मतलब 5-10 मिनट पहले ही कर दिया था, अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10:30 बज गए हैं, तो निकल रहे हैं घर की तरफ। अभी चेहरा देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं बाइक चला चला करके, तो कोई ना इस चीज़ को इग्नोर करो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग, अगर वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी सी मतलब ऐसे डल हो रही है तो एडजस्ट कर लेना। अभी निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ, तो मिलता हूँ आप लोगों से घर पर चल के, तो अगले ब्लॉग में बने रहे, बाय। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... आ चुका हूँ अभी घर, और बज गए हैं भाई 11:30 बज गए हैं, वहाँ से आते थे बहुत आराम से आ रहा था मैं, तो 11:30 बज चुके हैं, मैं घर आ चुका हूँ और इस ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं ये पेंट, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में।